क्वेश्चन है कि डिस्क रिंग स्फेयर इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विद हाइट ऑफ h. तीनों को फिर से रिलीज कर दिया, u इज इक्वल टू जीरो. तीनों रोल करती हुई नीचे आएंगी. जब तीनों नीचे आएंगी तो फाइंड वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास. जब वो नीचे पहुंचेंगी तो क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना है, आप इमेजिन करें कि अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे रोलिंग में ना पूछते हुए स्लाइडिंग में पूछता कि मान लो इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉक्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और u इज इक्वल टू जीरो, ये हाइट h है, तो ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगी. तो हम क्या करते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, काइनेटिक क्या है, जीरो, और यहाँ काइनेटिक क्या है और पोटेंशियल क्या है, इन्हें इक्वेट करके v आ जाता था. यही रूल लगाते थे, इसमें भी सेम रूल है, यहाँ पर भी सेम है. बस फर्क ये है कि ये बॉडी रोल कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ ब्रैकेट में डाल लो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर भी कौन सी, रोटेशनल, क्योंकि बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है तो रोलिंग या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी. अब क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे आ रही है या ग्रेविटी के अलोंग नीचे आ रही है, और ग्रेविटी कंजर्वेटिव होती है सबको पता है, और कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, तो उस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल बोलो कितनी है यहाँ पर, एम जी एच, काइनेटिक क्या होगी, जीरो. जब बॉडी नीचे उतरेगी पोटेंशियल क्या है, जीरो. रोलिंग काइनेटिक क्या है, रोटेशनल एनर्जी लगा, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है और रोलिंग के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. क्लियर है. अब क्योंकि ये बॉडी की शेप क्या गिवन है, तीन शेप्स हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी निकाल ली. अगर आपको वेलोसिटी किसकी निकालनी है, डिस्क की, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ पुट कर दो. अगर रिंग की तो वन पुट कर दो, स्फीयर की 2/5 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. तीनों आंसर एक ही बारी में आ जाएंगे. तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, हम ये क्यों बना रहे थे, बड़ी काम की चीज़ है. ये सारा काम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में करते जाएंगे और एंड में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे वेलोसिटीज निकलेंगी. तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक पुली है, पुली इज अ डिस्क और मास m डैश है और रेडियस r है. एक स्ट्रिंग से ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक को रिलीज कर दिया. जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया, पुली घूमेगी. पहले पुली रेस्ट पे है, अब पुली घूमेगी. ये नीचे गिर रहा था, अभी और भी नीचे गिरना था, किसी भी इंस्टेंट पर अभी कितना नीचे गिर चुका है, h. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की, ये निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, जीरो. नॉर्मल क्वेश्चन में अगर ये पुली का मास ना लेता तो मैं सिंपली ये काम करता, इसको ग्राउंड मान लेता, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. पोटेंशियल की जगह एम जी एच, काइनेटिक की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, डन. लेकिन यहां पर एक पुली भी इन्वॉल्व है तो मुझे क्या करना, एनर्जी कंजर्वेशन अभी लगेगा. बस फर्क ये है, ब्लॉक के लिए, ये जो ब्लॉक के लिए तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, यहां लिख लेना, ये क्या है, ये दोनों चीजें ब्लॉक के लिए हैं. और ये जो एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लिख लो ये किसके लिए है, ये पुली के लिए है. लिख लो यहां पर, दिस इज फॉर पुली, क्योंकि मास m रोटेट थोड़ी ना करेगा, पुली रोटेट करेगी. तो यहां पर मास m की एनर्जी भी और पुली की एनर्जी का सम वन पॉइंट पर और टू पॉइंट पर विल रिमेन सेम. तो लगानी कैसे है इक्वेशन वो मैं दिखाता हूं, ठीक है. ठीक है यहां तक, तो कैसे लगाना है चेक करें एक बार. देखो तो इसके अंदर, यहां पर जब बॉडी यहां पर है, आंसर दो, मैंने मास m को पकड़ के रखा हुआ है, क्या ये पुली घूमेगी, नहीं पकड़ के रखा हुआ नहीं घूमेगी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुली की इस पोजीशन पे जीरो. पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये ग्राउंड है, पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी, एम जी एच. काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी, ठीक हो गया.
जब ये नीचे गिर रही होगी तो पुली घूमेगी, और पुली खड़ी खड़ी घूम रही है, और जब खड़ी खड़ी घूमती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर करेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी इसकी लोएस्ट पॉइंट पर? जीरो। और काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन ये टोटल सम और ये टोटल सम एग्जैक्टली क्या है? सेम है। ठीक है यहां तक? तो इन्हें इक्वेट करें, ये लो, इन्हें इक्वेट कर लिया, तो ये मैंने बता दिया आपको इक्वेशंस, इन्हें इक्वेट करके ये इक्वेशन आ गई। एक चीज बताओ, आपको इसमें क्या निकालना है? वी निकालना है, ओमेगा तो निकालना नहीं। मैंने एज्यूम किया कि डिस्क घूम रही है विद ओमेगा, खुद एज्यूम किया है, ओमेगा था गिवन थोड़ी ना था मुझे। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ टेंजेंशियल है, तो सर्कुलर मोशन का रिजल्ट ये बोलता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो भी ब्लॉक की होगी वो पुली के ओमेगा के साथ कैसे रिलेटेड है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है। तो आप ओमेगा को अगर वी में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको निकालना तो वी है, ओमेगा तो जस्ट आपने इमेजिन किया था, किसी भी पुली का एंगुलर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह पुट करेंगे वी बाय आर। तो यहाँ से स्क्वेयर करेंगे, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ से हाफ वी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करके वी की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नई जगह पे आएगी, जो जो क्वेश्चन शीट में है मिलते जुलते वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ। मतलब 19-21 का फर्क होगा, लेकिन आपको आइडिया है इन शीट्स का, तो आप कहीं भी लगा पाओगे। ठीक है यहाँ तक? तो हमें ये पता लग गया अगर पुली वाला क्वेश्चन आएगा वो कैसे करना है ना, ये एक्सपीरियंस है और ये हमें प्रैक्टिस है। हमें ये पता लग गया इंक्लाइन प्लेन पे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगता है ना, इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रोल करेगी तो कैसे लगाना है, पुली में कैसे लगाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये रहा, इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन है, एच हाइट है, और बॉडी क्या है इसमें? स्फेयर। एक स्फेयर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, एच हाइट से नीचे आया, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो नीचे पहुंचेगा। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, भी तीन बॉडीज का दिखाया, रिंग का, डिस्क का, स्फेयर का, सेम क्वेश्चन है। क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये बॉडी यहाँ पे होगी तो इसकी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल होगी, और जब ये बॉडी नीचे आ जाएगी, रोल करती हुई नीचे आएगी, तो रोलिंग एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मास से मास कैंसिल, क्योंकि ये बॉडी स्फेयर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जब भी रोल करती हुई बॉडी नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी कैसी निकलेगी? एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है यहाँ तक? जैसे एन एनर्जी 485 जूल, या हमने वर्क डन किया 485 जूल का किसी बॉडी के ऊपर, ताकि उसकी स्पीड फ्लाईव्हील के ऊपर, फ्लाईव्हील एक रिंग होती है, तो ताकि उसकी स्पीड 60 आरपीएम से 460 आरपीएम हो जाए, ओमेगा बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्या निकालना है? फाइंड मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ व्हील। ये क्वेश्चन वैसे ही लग रहा है जैसे कोई मुझे ये कहे कि मैंने एक ब्लॉक के ऊपर वर्क डन किया, उसकी स्पीड V1 से V2 हो गई, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V1 स्क्वायर से हाफ एम V2 स्क्वायर हो गई, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। यही थी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये भी सेम है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम किस में लगेगी? रोटेशनल मोशन में। तो अगर आप स्पीड को ओमेगा 1 से ओमेगा 2 कर देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, और जो वर्क डन है वही क्या होता है? चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है तो आप इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, तो आपकी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर इज एनर्जी स्पेंड। तो जो भी आपने एनर्जी स्पेंड की उसने चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा दिया। तो मेरे को आरपीएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा। इसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस आ गया फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 क्या होता है? 2.2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 आ गया। ऐसी न्यू 2 पता है 60 से डिवाइड करके आरपीएस आ गया, 2π से मल्टीप्लाई करके ओमेगा 2 आ गया। अब आपको ओमेगा 1 पता लग गया, ओमेगा 2 पता लग गया, एनर्जी स्पेंड आपको पता है, कॉमन निकाल के आई निकालना है, आई कैन बी कैलकुलेटेड।
पर लगेगी क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, ये समझ में आ रही है? तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कैसे हैंडल करनी है, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। एक बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोल करती हुई बॉडी आ रही थी और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ गई, और कितने ऊपर चढ़ गई, इतने हाइट पर चढ़ गई, गिवन है, गिवन है। बस ये बताना है अगर इतनी हाइट पे चढ़ गई तो बताओ इसका आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। देखो जब भी कोई बॉडी ऊपर से रोल करती हुई नीचे आए या नीचे से रोल करती हुई ऊपर जाए, क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। जब ऊपर से नीचे आती है तो mgh इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो नीचे कौन सी एनर्जी है, पहले रोलिंग एनर्जी है, और ऊपर जाके रोटेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ पोटेंशियल बच जाएगी mgh। सेम है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने में एनर्जी कंजर्वेशन सेम है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, ऊपर जाके सिर्फ mgh है, h की वैल्यू गिवन है, m से m कैंसिल, इसे सॉल्व करो, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हाफ आ गया, इसका मतलब i की वैल्यू क्या रही होगी, हाफ एम आर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हाफ आ गया तो i क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, यानी कि बॉडी कौन सी है, या तो डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कैसी लगती हैं इसमें, राइट? जैसे जैसे सपोज ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को करने से पहले क्या आपने एक फॉर्मूला किया है केमिस्ट्री में, कि अगर आपके पास कोई मास है m, उसकी स्पेसिफिक हीट है c, और राइज इन टेम्परेचर करवाना चाहते हो डेल्टा थीटा, तो उसको हीट देनी पड़ती है एम सी डेल्टा थीटा, सुने नहीं? अच्छा तो सुन लो, अगर कोई भी बॉडी है, हम ये अगले से अगले चैप्टर में करेंगे, फिजिक्स में अभी नहीं कर रहे हम, कोई भी बॉडी का मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट अगर गिवन c, और आप उसको उसका टेम्परेचर राइज करवाना चाहते हो बाय डेल्टा थीटा, तो आपको क्या देनी पड़ेगी उसे, हीट। तो ये हीट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा थीटा, ये याद रखना है, ठीक है? तो आज के बाद अगर किसी भी बॉडी का राइज इन टेम्परेचर करवाना चाहते हो तो हीट देनी पड़ेगी, ये हीट का फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन है, एक हॉलो स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो स्फेयर का 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर होता है, याद रखना। एक हॉलो स्फेयर है, ओमेगा के साथ घूम रहा था और सडनली स्टॉप हो गया, रुक गया। अब जब वो घूम रहा था, उसके पास खड़ा खड़ा घूम रहा था, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी थी रोटेशनल, वो रुक गया तो एनर्जी क्या होगी, एकदम जीरो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से एनर्जी क्या होगी, एकदम जीरो, ठीक है यहां तक? अब वो एनर्जी गई कहां, गायब, खत्म तो होगी नहीं, वो कह रहे वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई वो हीट की फॉर्म में बॉडी को मिली और बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया। बोलो कितना टेम्परेचर राइज हो गया? तो रूल नंबर वन, हम पहले लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लें, बॉडी के पास एनर्जी थी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल क्या हो गई, जीरो। तो लॉस कितना हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। ये सारी की सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, और बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा थीटा। ये सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर दी, तो हीट का फॉर्मूला और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इक्वेट कर दिया, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा थीटा। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है जूल्स में, और हीट किस में चलती है केमिस्ट्री में, कैलोरीज में, और जूल के यूनिट कैलोरी के यूनिट डिफरेंट होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड जूल है तो राइट भी जूल होना चाहिए, लेफ्ट अगर कैलोरी है तो राइट भी कैलोरी होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जूल्स को कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करना होता है, या 4.2 या जे भी लगा सकते हैं, जे का मतलब यहाँ पर जूल्स इक्वलेंट है जिसकी वैल्यू 4.2 ही होती है।
तो मैंने जे से डिवाइड करके ये भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कैलरी में, आंसर आ गया। आए स्फेयर का क्या है, हॉलो स्फेयर का 2/3 mr², मास से मास कैंसल, डेल्टा थीटा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डेल्टा थीटा निकालने का आपके ऑब्जेक्टिव शीट्स में। तो कैसे करना है आपको आइडिया समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। और आजकल आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। क्या आपके पास सपोज एक रॉड है, एक रॉड ऐसे ग्राउंड के ऊपर, मैंने ग्राउंड के ऊपर इस रॉड को ऐसे रखा हुआ था और ये यहां से हिंज्ड है या नेल लगा दी, ये ऐसे गिर तो सकती है पर ये वाला पॉइंट इसका हिल नहीं सकता, तो ये हिंज्ड है, यहां से ये हिंज्ड है, ठीक है। तो पहले ये रॉड ऐसी थी, रॉड नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी और ये गिर गई। आपको पता है रॉड का ओमेगा क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, रोटेशनल मोशन में घूम रही है रॉड, ओमेगा क्या होगा ये बता दें। मैं गिरूंगा, ये देख गिरेगी कैसे, नहीं ये देख गिरेगी, अगर हिंज होती तो सीधे नीचे गिर जाती, टिक नहीं सकती। अच्छा चल, टिकी हुई थी, टच कर दियो हल्का सा, ठीक है, बैलेंस खराब कर दियो, फूक मार दियो हवा से, ठीक है आ गया, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं क्या, मैंने वो गिर गई तो ओमेगा निकाल दो, ओमेगा का मतलब ये रोटेट करती हुई नीचे गिरेगी। एक्सिस क्या होगा रॉड का, बोलो, ये होगा, इस एक्सिस के अबाउट नीचे गिर रही है। तो ये एक्सिस में आई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये टेंजेंट नहीं हो गया रॉड का, टेंजेंट, टेंजेंट में रॉड का आई क्या होता है, mL² / 3, याद आ रहा है, टेंजेंट में हमें क्या किया था, mL² / 3, क्लियर है। तो mL² / 3, अब जब रॉड नीचे गिरेगी तो और ओमेगा आ जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है ध्यान से देखना। जब रॉड बिल्कुल सीधी खड़ी है, रोटेट नहीं कर रही, ऐसी थी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, बस mgh। तो वर्क एनर्जी पार में जाओ और याद करो कि अगर रॉड ऐसी खड़ी थी और मैं बोलता था पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो याद करो रॉड और चेन में क्या लिया करते थे, सेंटर ऑफ मास, याद आ रहा है वो लेक्चर सेंटर ऑफ मास का। तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास पे मास यहां पर है और लेंथ कितनी लेंगे, L/2, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg into L/2, याद आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, L/2। क्या स्टेप क्लियर है? तो इस पोजीशन पर इसके पास सिर्फ एक एनर्जी होगी, mg into L/2, ठीक हो गया। अब रॉड बिल्कुल जमीन पे गिर गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, लेकिन रॉड घूमती हुई नीचे गिरी तो कौन सी एनर्जी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ½ i ω². तो इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और रोटेशन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा। जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, रोटेशनल काइनेटिक में। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, पहला स्टेप ही मेन है इसमें, ठीक है। आए रॉड का क्या है, mL² / 3, एम से एम कैंसल, सॉल्व करके ओमेगा आंसर, कैलकुलेशन उसके बाद। तो पहला स्टेप याद रहेगा, आज के बाद जब भी मैं रॉड को घुमाते हुए नीचे गिरूंगा तो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी याद रहेगा, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आएगा, वेलोसिटी बताओ जिससे कि सेंटर ऑफ मास ने ग्राउंड को हिट किया, वो कहेगा ये जब नीचे गिरी तो सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में मूव कर रहा था, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास ने कितनी वेलोसिटी से इस ग्राउंड को हिट किया। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ये जो टॉप का पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन में है, इसने कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, उसकी मर्जी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन पूछेगा वो, सेंटर ऑफ मास कितनी वी के साथ इसको हिट करेगा, कोने वाला पॉइंट कितनी वी के साथ हिट करेगा, क्योंकि ये किस में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमें ओमेगा गिवन है, ओमेगा निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर वी सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है, L/2, तो L/2 into ओमेगा,
और ये कोने वाला पार्टिकल कितने रेडियस में घूम रहा है, एल, तो वी इज इक्वल टू एल ओमेगा, हर का रेडियस डिफरेंट है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का रेडियस कितना है, एल बाई टू, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एल बाई टू इन टू ओमेगा, और ऐसी कोने वाला पॉइंट का रेडियस कितना है, एल, तो ये पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, एल ओमेगा। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है जिसे सेंटर ऑफ मास हिट करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, एल बाई टू इन टू ओमेगा, ओमेगा हम ऊपर से निकाल चुके हैं आंसर। और सिंप्लीफाई करना है, एल को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, एल स्क्वेयर हो जाएगा, एल से एल कैंसल, आंसर। नहीं करोगे नासी, यहाँ तक तो कर ही लो। और ऐसी कोने वाला पॉइंट हिट करेगा तो एल ओमेगा, ओमेगा की जगह पुट कर दिया, एल को अंडर रूट में ले जाओ, एल से एल कैंसल अंडर रूट ऑफ 3gl, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन हिसाब से कैलकुलेशन कर